everyone, welcome to my channel. In this video I'm going to discuss the exercise 3.3 and the fifth question of sum number 1. So let's begin. इसको भी हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है. अगर आप सब्सटीट्यूशन मेथड को और भी अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. उनकी लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई, आप वहाँ पर जाकर इन वीडियोज़ को भी विजिट कर सकें. सो लेट्स बिगिन. सब्सटीट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए गए हैं. फर्स्ट जो है इक्वेशन नंबर 1 और जो सेकंड है उसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट करेंगे. अभी हमें क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में से भी एक को पिक करना है. सो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 को पिक करूँगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. व्हाट इज़ आर इक्वेशन नंबर 1? दैट इज़ अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0. अभी क्या करना है, एक्स या फिर वाई ये दो वेरिएबल्स हैं, बाकी जो हैं दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं. तो किसी भी एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है. यहाँ ये एक्स है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकती. सो ये कॉन्स्टेंट होते हैं जो एक्स या फिर वाई, ये यहाँ पर वेरिएबल्स हैं. तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना होता है, तो मैं एक्स की वैल्यू को निकालूँगी. कैसे निकालूँगी, अंडर रूट 2x यहाँ पर इज इक्वल टू ये अंडर रूट 3y है, राइट हैंड साइड पर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा. सो नेगेटिव अंडर रूट 3y. एक्स निकालने के लिए एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2y, बिकॉज यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाइड और राइट हैंड साइड पर जाकर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो मैं लिखूँगी अंडर रूट 2. क्लियर? इसको अभी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे दूँगी. नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3 इनटू द इक्वेशन नंबर 2. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है. सो राइट डाउन आवर इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 इज अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0. अभी यहाँ पर x है, तो x ये जो इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू को मैंने निकाला, इसको मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूँगी. सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, तो क्या करूँगी, अंडर रूट 3 ये x है, x की जगह पर ये वैल्यू जाएगी, ये भी x है ना, तो इस x की जगह पर ये वैल्यू. सो मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पर, माइनस अंडर रूट 3y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2. यस, माइनस ये वाला और अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0. नाउ अभी क्या करना है कि ये जो अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 3 को इस सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाइड है ना. तो इस अंडर रूट 3 को ये सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा. फर्स्टली अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. देखिए यहाँ पर रफ वर्क मैं करके दिखाती हूँ. अंडर रूट 3 जब अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ अंडर रूट हो गया कैंसल, तो ये है 3. जब भी हम सिमिलर टर्म्स को जो रूट में हो उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंपल में आंसर आएगा. जैसे आप देख लीजिए, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 के साथ करूँगी तो वो 2 आएगा. किसी को भी ले लो, अंडर रूट 5 को 5 के साथ करूँगी तो ये 5 आ जाएगा. सो इसी तरह से यहाँ पर अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ करूँगी तो सिंपल 3 आएगा, बट यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन साथ में वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y अपॉन, ये कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा ना, तो 1 इक्वल टू 0. अभी क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है. तो क्या करूँगी, 1 और अंडर रूट 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2. अंडर रूट 2 के साथ अंडर रूट 2 डिवाइड हुआ तो कैंसल. देखिए अंडर रूट 2 के साथ अंडर रूट 2 डिवाइड हुआ तो कैंसल 1. 1 को जब माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, रूट को अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 के साथ डिवाइड किया तो 1 आया. 1 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 आया. सो माइनस 3 वाई
माइनस अंडर रूट टू को वन के साथ डिवाइड किया, देखिए अंडर रूट टू को वन के साथ डिवाइड किया तो अंडर रूट टू आ गया। सो अंडर रूट टू को जब अंडर रूट एट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, फोर टू ज़ार एट, ओ सॉरी एट, एट टू ज़ार सिक्सटीन, एट टू ज़ार सिक्सटीन एज द अंडर रूट टू मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट टू मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एट, एट टू ज़ार सिक्सटीन, सो अंडर रूट सिक्सटीन। अंडर रूट ये सिमिलर टर्म्स है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो भी अंडर रूट में ही आएगा। अंडर रूट टू मल्टीप्लाई अंडर रूट एट गिव्स अंडर रूट सिक्सटीन, सो यहाँ पर भी आ जाएगा अंडर रूट सिक्सटीन वाई इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट क्या करना है, माइनस थ्री वाई माइनस, अभी 16 का जो अंडर रूट है इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। 16 के अंडर रूट को कैसे सॉल्व करूँगी, इसका रूट निकाल फैक्टर्स बनाऊँगी। देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू होता है 16, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर जब मेरे पास अंडर रूट 16 है तो वहाँ पर मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर, बिकॉज 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। अभी जब मैं स्क्वायर के साथ अंडर रूट को कैंसिल कर दूँ तो क्या आया, इक्वल टू 4, सो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4 आ गया आया। तो इसी तरह से मैं अंडर रूट 16 की जगह पर 4 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेम प्रोसेस करूँगी, अंडर रूट 16 की जगह पर लिख दूँगी मैं 4y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 4 प्लस 3 7, बट नेगेटिव का 7 आएगा बिकॉज 4 इज़ लार्जर देन 3 एंड इट इज़ ऑफ नेगेटिव, सो माइनस 7y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, इसमें से मुझे जो ये मेरे पास y है, y की एक पूरी पूरी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर से y की मैं वैल्यू निकालूँगी। तो कैसे निकालूँगी, y अपनी साइड पर रहा, ये अंडर रूट टू यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिवाइड है, राइट हैंड पर साइड पर, राइट हैंड साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 0 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई 7 माइनस का 7, क्यों, क्योंकि ये जो 7 है यहाँ पर मल्टीप्लाइड है और राइट हैंड साइड पे जाकर ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, देखिए किसी कोई भी टर्म जो है ये सारी की सारी टर्म है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई है, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना मैं इसे, अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई माइनस 7। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाता है, 0। सो अल्टीमेटली हमारा जो y है वो 0 आ गया, y की कोई वैल्यू नहीं आई, y हमारा 0। अभी इस y को मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करूँगी, ठीक है, ये y की जगह पर मैं 0 पुट करूँगी। सो क्या मैं लिखूँगी, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2 y। अभी y की जगह पर क्या लिखना है, 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। अभी 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, 0, सो x भी क्या आ जाएगा, 0। ये देखिए इससे हमें पता चला कि हमारा जो है y भी 0 है और x भी 0 है। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 ऑल्सो। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। सो आई होप योर ऑल डाउट्स आर नाउ क्लियर एंड शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।